पब्लिक टीवी आपकी आवाज। थानों में दबंगई दिखाने को लेकर अक्सर सुर्खियों में रहने वाला मुरादाबाद का भारतीय जनता युवा मोर्चा इन दिनों टूटा फूटा पड़ा है। अध्यक्ष अभिषेक चौबे की नाक से खून बहता नजर आया तो महामंत्री अभिषेक राठौर के हाथ पर प्लास्टर चढ़ा हुआ है। उपाध्यक्ष हेमंत चौधरी की आंख भी सूजकर काली पड़ चुकी है। भाजीमो पदाधिकारियों का कहना है कि उनके साथ ये सारी तोड़फोड़ पुलिस वालों ने की है। इनका कहना है कि पुलिस ने उन्हें सड़क पर पटक पटक कर पीटा, भागने की कोशिश की तो सोसाइटी में घुसकर खींच लाए और फिर सड़क पर गिराकर लाठी डंडों और लात घूंसों से मारा। पुलिस की पिटाई से आहत भाजीमो की पूरी टीम शाम को बीजेपी दफ्तर पर धरना देने पहुंच गई, लेकिन कोई मनाने तक नहीं पहुंचा। चोटिल हालत में भाजपा युवा मोर्चा के महानगर अध्यक्ष अभिषेक चौबे, महामंत्री अभिषेक राठौर और उपाध्यक्ष हेमंत चौधरी को मनाने के लिए जब कोई नेता नहीं पहुंचा तो इस्तीफा देने की घोषणा की। नतीजन गुस्साई भाजपा के इस यूथ ब्रिगेड के 241 लोगों ने सामूहिक इस्तीफा दे दिया। इसका नतीजा ये हुआ कि बेचारों पर तीन तीन मुकदमे भी लद गए। बड़े नेताओं से ग्रीन सिग्नल मिलते ही पुलिस ने आपस में लड़ने वाले युवा मोर्चा के सभी पदाधिकारियों के खिलाफ एक लंबी चौड़ी FIR और लिख दी। पुलिस ने अपनी ही ओर से दर्ज मुकदमे में लिखा है कि युवा मोर्चा के पदाधिकारियों ने पुलिस को डंडों से पीटा। आपको बता दें कि अभिषेक चौबे, नरेश यादव समेत 5 पर FIR दर्ज की गई है। मझोला थाने के SI अनंग पाल सिंह ने मझोला थाने में भाजीमो के महानगर अध्यक्ष अभिषेक चौबे, महामंत्री अभिषेक राठौर, उपाध्यक्ष हेमंत चौधरी, बिलारी के बीजेपी से टिकट की डिमांड कर रहे भाजपा नेता नरेश यादव और गौरव यादव के खिलाफ FIR दर्ज कराई है। इन सभी के खिलाफ IPC की धारा 147, 148, 188, 269, 270, 332, 553, 504, 506 और आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 51 और दंड विधि अधिनियम की धारा 7 के तहत FIR दर्ज की है। हमें मेडिकल के लिए भेजा गया, हमारा मेडिकल हुआ, डॉक्टर ने मेरे बताया कि आपके शायद नाक में फ्रैक्चर हो सकता है और अभिषेक राठौर जो है उनके हाथ में फ्रैक्चर को उन्होंने पुष्टि करी। उन्होंने आज हमें एक एक्सरे के लिए करने के लिए पर्ची लिखी थी, लेकिन आज जब हम सुबह थाने गए और हमने पर्ची मांगी तो वहाँ हमसे कह दिया गया, पहले कहा गया कि SO साहब आएंगे तब देंगे, और अब जब हमने उनसे पर्ची मांगी तो वहाँ झूठ बोला गया कि पर्ची दे दी गई है। इस तरीके से ये पता चलता है कि ये पुलिस की मिलीभगत के साथ, उस हमलावर के साथ पुलिस की मिलीभगत से हम पे हमला हुआ। ये एक सोची समझी साजिश थी और हम पे जानलेवा जो हमला हुआ उसके बारे में आज हमने IG शलभ माथुर जी को अवगत कराया है कि वह इस चीज़ की जांच कराएं कि किस वजह से ये पुलिस ने इस तरीके का रवैया हमारे साथ अपनाया। और जो भी ये निखिल यादव और उसके साथी आरोपी हैं और पुलिस महकमा जो मझोला थाने की पूरी पुलिस है, जो कल नशे की हालात में जानवर बन बैठी थी, जो हमारी जान को, हमारी जान के दुश्मन बन बैठे थे, उन पे सख्त से सख्त कार्रवाई हो। और मेरी पुलिस प्रशासन से और आपके माध्यम से इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री से निवेदन है कि हम सब आपकी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हम दिन रात पार्टी के लिए काम करते हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि हमारी पार्टी हमारी सुनवाई करेगी, हमारी सरकार हमारी सुनवाई करेगी उस आरोपी निखिल यादव पर और जो दरोगा था बालेंद्र यादव, सिपाही सचिन कुमार, उनके साथ के सभी सिपाहियों पर, उस हमलावर के सारे साथियों पर कानूनी रूप से कार्रवाई होगी। उन पर हमसे जान से मारने की जो कोशिश की गई उसकी धाराएं लगेंगी। मेरा अपने मुख्यमंत्री से यही निवेदन है कि कार्यकर्ता जो है संगठन के लिए दिल जान से लगा रहता है और वहाँ पे CCTV फुटेज में, सोसाइटी की CCTV फुटेज में सारी चीजें क्लियर हैं। हमने विधायक जी के लिए अपशब्द बोले गए, जब हमने विधायक जी को फोन करा तो मैं शब्दों का आपका इस्तेमाल नहीं कर सकता। वहाँ एक सिपाही थे, उन्होंने जो विधायक जी के लिए शब्दों का इस्तेमाल किया कि बुला लो उसे और उसके बाप को भी और हम देख लेंगे कर लेंगे, बहुत गंदे तरीके से मैं आपके मीडिया पे, भाजपा की सरकार है, फिर भी उसका बात भाजपा की सरकार की नहीं है। ये जो पुलिसकर्मी है ये कहीं ना कहीं पुरानी सरकारों में जो भर्ती हुई है उनकी मानसिकता के लोग हैं और कहीं ना कहीं ये लोग आने वाले समय में, आज जो इनको धन उगाही करने में का मौका नहीं मिल रहा है, भ्रष्टाचार पे माननीय योगी जी सरकार में अंकुश लगा है, उससे ये परेशान होकर भाजपा के कार्यकर्ताओं पर हमला कर रहे हैं जिससे कि सरकार की और पार्टी की बदनामी हो, चुनाव को प्रभाव किया जाए
और ये लोग कहीं ना कहीं समाजवादी एजेंडे पे, जिस तरीके से समाजवादी के पार्टी के लोग गुंडागर्दी करते हैं, उसी तरीके से कल इन पुलिस वालों ने और उस व्यक्ति ने मिलकर गुंडागर्दी करी। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।